अच्छा बहुत पेट दर्द कर रहा है मेरा। शायद मुझे लग रहा है कि अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। जैसे ही सुबह उठा तो बहुत ज्यादा गर्मी था, इसलिए मैं चाय वाय पीना छोड़ के सीधा दुकान पे आया और यहाँ से एक बड़ा सा स्लाइस का बोतल लिया। फिर घर आते ही देखता हूँ तो मम्मी इधर खाना खा रही है और इधर कांचे सबके लिए ग्लास में स्लाइस डाल रही है। फिर मेरे मामा की बेटी ने सबसे पहला वाला ग्लास उठाया और इसे घटक लिया, फिर कांचे ने मम्मी को भी दिया और इसने भी खाया। लेकिन अभी तक मेरी बारी नहीं आई थी तो मैं भी नीचे इन्हीं के साथ बैठ के खाने लगा। बट मैंने अभी तक कोई खाना नहीं खाया है और लगभग 11 भी बजने वाले है, तो कांचे ने जबरदस्ती मेरे लिए खाना लाया और पनीर का सब्जी देख के मुझे भी खाने का मन किया, तो इसीलिए मैंने बहुत ही मजे से खाना खाया। फिर खाना खा के अंदर की तरफ देखा तो इनमें से कोई सो चुका था तो कोई आराम से बैठ के टीवी देख रहा था। और सच कहूं तो आज का दिन बहुत ही बोरिंग था, इसलिए मम्मी भी टाइम पास करने के लिए बाती बना रही थी। जो दिया में यूज होता है ना वो यही है और ये इस कबास से बनता है। लेकिन मेरा तो वीडियो बनाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, बस सुबह से लेकर शाम, यहाँ तक कि कभी कभी रात भी हो जाता है। और मैं हमेशा इसी तरीके से वीडियो ही बनाता रहता हूँ क्योंकि अपना रोजी रोटी यहीं से चलता है। इसीलिए बोरिंग फील करते हुए भी मैं यहीं पे बैठ गया और थोड़ी देर बाद ये दोनों भी आ गए। फिर हम बातें करने लगे और बातें करते करते मेरी कांची को मोमोज की यादें आती है। आज बहुत ज्यादा बोरिंग लग रहा है, पता नहीं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। चलो ना मोमो बना के खाते जाओ, सामान लेके आओ। अच्छा आज मोमो बना के खाए क्या? हाँ। तो जाएगी मेरे साथ, खाएगी मोमो? तो ये मेरी मामा की छोटी बेटी है और आज ये मेरे साथ जाएगी, चलो चलते। ओके ये बेचारी हमें इस तरीके से वीडियो शूट करते हुए फर्स्ट टाइम देख रही है, तो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या करूं, इसलिए नो रिएक्शन। फिर इसको मैं अपने साथ ही मार्केट लेके आया, लेकिन ये मार्केट आके खाने के अलावा करेगी क्या, इसलिए मैंने इसे कहा कि चलो तू फोन पकड़ और मैं सब्जी खरीदता हूं तो रिकॉर्ड करना। फिर मैंने आराम से कुछ गोभी के साथ मिर्ची लिया, तो हमारे पास झोला भी नहीं था इसलिए यहीं से 10 रुपए में झोला खरीद के सब्जियां भराया। फिर यहां से निकल के हम मैदा खरीदने आए जो मोमो का मेन चीज है, लेकिन जब तक घी नहीं डालेंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए छोटू सा एक बोतल घी भी लिया, साथ में 2 पैकेट सोयाबीन और इसके लिए ब्रेड। हम इतना शॉपिंग करके अपने घर की तरफ निकल गए और घर आते ही सारा सामान कांचे को दे दिया। बट मैंने इनके लिए बहुत सारा आइसक्रीम भी लाया था तो इन सबको बांट दिया। बाकी जो भी कहो यार, मेरी मम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, साथ में ये दोनों भी आ गए और सभी लोग मिलजुल के आइसक्रीम खाने लगे। फिर आती है मोमोज बनाने की बारी और इन लोगों ने लगभग सभी मोमोज बना के खत्म कर दिया था, बाकी ये लास्ट पीसेज बचे थे। और यहाँ देखो कांची बड़े ही चाल से मोमो बना रही है और ये काफी अच्छे तरीके से पक भी रहे हैं। और इसने हमारी मौसी और पड़ोस वाले आंटी के लिए भी थोड़ा सा मोमोस निकाला, देन छोटी बहन को देके भेज दिया क्योंकि वो लोग भी हमें शेयर करते हैं और हम भी कभी कभी शेयर कर दिया करते हैं। यार मोमो बनते ही हम सभी लोगों का भंडारा लगता है, साथ में था ये टमाटर का अचार जो काफी स्पाइसी और खट्टा था, बट ऐसे ही अचार खाने में मजा आता है तो हमने दबा के मोमोस खाया और खाते खाते काफी रात भी हो गई। तो अभी गाइस हम सभी लोगों ने एकदम पेट भर के मोमोस खा लिया है और ये भी इधर आराम से खा के सो रही है। कांची मेरे को तो वीडियो बनाना है नक्की बताने जो मतलब गाइस ये कह रही है कि मतलब इसका अभी पेट बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है और कुछ दिन पहले की बात है जब ये मतलब सुबह सुबह उठ के पोछा लगा रही थी तो इसको मतलब फिर से पेन हो गया था और आज फिर से हो रहा ना। हाँ, बहुत दिन हो गया ऐसा ही हो रहा है। हाँ, मतलब 2-3 दिन लगातार इसको मतलब पेन होते जा रहा है, पेन होते जा रहा है और आज मतलब फिर से इसको शायद मुझे लग रहा है कि अब हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एंड आज तो बहुत ज्यादा रात हो चुका है यार, जाए कल चलते हैं। कल चलते हैं, कल मतलब अब कल मैं इसको लेके जाऊंगा हॉस्पिटल क्योंकि यार मतलब बहुत हो चुका है और अभी डेट भी आने वाला है, 30 जून को डेट है, तो मतलब इसको बहुत ज्यादा पेट दर्द होना शुरू हो चुका है गाइस। अभी क्या ही कर सकते हैं, मतलब ऐसे टाइम है हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इसलिए मम्मी अभी परमानेंटली आ चुकी है और मम्मी अभी नहीं जाएगी तो मम्मी को ही पता होगा क्या कुछ करना है और हमें तो बिल्कुल भी पता नहीं है। बाकी मतलब अभी अभी क्या करूं मैं, क्या करूं क्या कहूं, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है गाइस क्या करना चाहिए। तो कल हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, आज तू जैसे जैसे रहे ओके। यार कसम से बता रहा हूं गाइस मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मतलब इस तरीके से जब पेट दर्द होता है ना तो मतलब क्या ही, मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मतलब क्या करे क्या ना करे और पहली बार मतलब फर्स्ट टाइम ये सब हो रहा है। तो अभी मम्मी को ही पूछते हैं, मम्मी भी सो रही है एंड रात हो चुका है, अभी 10 बजने वाला है ओके। हम लोगों ने बहुत लेट से खाया तो हम लोग लेट से सोए एंड मम्मी तो पहले ही खा के सो चुकी थी, तो
तो अभी मम्मी को ही उठाना पड़ेगा शायद से, ओके, और कल हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसको। फिर जब मैंने सुबह उठकर देखा तो ये इधर हंसते हुए खाना बना रही थी एंड इसका पेन भी गायब हो चुका था, साथ ही हमारे पिताजी भी आए हुए थे, तो पिताजी और छोटी बहन इधर बैठ के आराम से खाना खा रहे थे एंड मैंने भी खाना चाहा तो कांची ने घी के साथ मुझे खाना दिया और सब्जी में था भिंडी, प्लस इसे आप लोग क्या कहते हो पता नहीं बट इसे हम लोग तो निंगरो कहते है, आसाम इसमें ढेकिया साग कहते है, आई थिंक हिंदी में भी यही कहते होंगे। फिर खाना खा के हम दोनों ही हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी होने लगे बट इसने मुझे उल्टा साठ लगा दिया, यानी कि साठ का बटन ऊपर नीचे हो गया। देन मैंने खुद से ही साठ लगाया एंड दरवाजा वगैरह बंद करके हम निकल गए। तो अभी गाइस हम दोनों ही हॉस्पिटल की तरफ निकल चुके हैं एंड आज तो इसको उतना ज्यादा पेन नहीं हुआ है, पेन नहीं हुआ ना आज तो, नहीं हुआ मतलब सुबह जो ये मतलब बर्तन माज रही थी, हाँ थोड़ी बहुत इसको चक्कर आ रहा था एंड पानी वानी तो मैंने इसको खुद ही उठा के ला दिया एंड इसने बर्तन वगैरह माँच लिया एंड बस इसको थोड़ी बहुत चक्कर आता है, उसके बाद मतलब कभी कभी मतलब पेन होता है, उस दिन रात को हुआ था पेन, कल रात को हुआ था एंड कभी कभी ऐसे होता रहता है, बाकी थोड़ी बहुत वैसे ही प्रॉब्लम वगैरह है। तो आज हम लोग जाएंगे एंड डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे। और हमें लेने संजय भाई आए हैं एंड इन्हीं को देख के कांची मुस्कुरा रही थी क्योंकि इनका घर और कांची का घर साथ में है और रिलेटिव भाई भी है। खैर हम लोग इसी कार में बैठ के आराम से जाने लगे और लगभग आधा घंटा का सफर करने के बाद हम टुमुकी मेडिकल कॉलेज के सामने पहुंच गए। वैसे मैं इसमें तो नहीं कराने वाला, मैं प्राइवेट में ही कराऊंगा एंड प्राइवेट भी इसी के सामने है एंड डॉक्टर इसी फार्मेसी में आके चेकअप वगैरह करती है, इसलिए हम यहीं पे बैठ के डॉक्टर का इंतजार करने लगे और थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गई एंड हमें अंदर बुलाने लगी। अंदर जाने के बाद मैडम ने हमसे काफी अच्छी तरीके से बातें किया एंड वीडियो बनाने का परमिशन मांगा तो वो भी दे दिया, साथ ही इधर कांची का चेकअप वगैरह करने लगी एंड चेकअप करने के बाद इनको पता चला कि हमारा बेबी सही सलामत तो है बट उतना ज्यादा भी ग्रोथ नहीं हुआ है, मतलब मान के चलो ठीक ठाक है बट उतना ज्यादा भी नहीं है, अगर और थोड़ा ग्रोथ होता तो और भी अच्छा होता, इसलिए ब्लड टेस्ट वगैरह करने को कहा तो हम यहीं पे बैठ गए। नहीं देखना है, ओके फर्स्ट टाइम होगा ना, पहले भी गया था, दो बार गया था। अच्छा भाई मेरे को डर लग रहा है, कसम से बोल रहा हूँ, डरना नहीं है। सच कहूं तो मुझे भी देख के बहुत डर लगा बट अब कर भी क्या सकते हैं, ये सब तो करना ही पड़ेगा एंड इतना करने के बाद इन भैया ने बहुत सारा दवाई दिया जो कि मैडम ने लिख दिया था तो लेना तो पड़ेगा, इसलिए हमने सारा दवाई लिया एंड इन्होंने एक एडवाइस भी दिया कि इस टाइम पे झगड़ा नहीं करना है, जितना हो सके उतना कांची को खुश रखना है। एक इंटरेस्टिंग बात, जो कि हमारा बेबी 15 दिन पहले आने वाला है, कितना तारीख को आएगा वो आपको अभी पता चलेगा, बस देखते रहो। तो अभी झगड़ा वगड़ा कुछ भी नहीं करना है, एकदम शांति से रहना है, हंसी मजाक करते रहना है हमेशा और एकदम फुर्ती में रहना, समझ गई? वैसे हम दोनों का झगड़ा वगैरह होता रहता है एंड काफी ज्यादा लगता है भाई, अब तो मैं भी हाँ मतलब मेरे इससे शुरुआत होता है और मेरे से मतलब झगड़ा स्टार्ट होता है, ओके। तो आज के बाद नहीं करना है, ओके 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 ना। वो देखो फिर से मुंह फुला रही है। मतलब इसको मैं कुछ समझा ही नहीं पाता हूँ भाई, मेरा मतलब दिमाग एकदम फटक जाता है। तो आज के बाद सुन आराम से, मैं एकदम सीरियसली बता रहा हूँ, एकदम झगड़ा नहीं करना हम दोनों को, ओके ओके। तो बोल एक बार इधर देख, हाँ इधर देख ओके। इसका फिर भी मूड मतलब कल झगड़ा हुआ था हम दोनों के बीच में, सच कहूँ तो अभी भी गुस्सा हो रही है। अभी मैं इसको थोड़ी बहुत घुमाने वुमाने ले जाऊँगा, पार्क वार्क ले जाने के लिए बोला है, मतलब इसको थोड़ा जितना हो सके क्या बोलते हैं उसका फुरका उन्हें, ओके मतलब खुश करना है इसको जितना भी, नेपाली में फुरका उन्हें बोलता है, ओके इसको मतलब हंसाना है, खुश करना है एकदम, मतलब तब इसको मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। और अगर मैं इसको मतलब ज्यादा ही मतलब प्रेशर दूंगा तो मतलब भाई थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, हाँ इसका प्रेशर हाई हो जाएगा एंड आज से नहीं करूँगा, ओके मैं नहीं करूँगा आज से, चलो ये मैंने अभी अनकंट्रोल हो गया तो मैं बाहर निकल जाऊँगा, अगर नहीं हुआ तो भाई मैं मतलब हमेशा खुशी करूँगा तेरे को,
बाकी गाइस वही सब था। मैडम ने काफी अच्छी तरीके से मतलब चेकअप वेकअप कराया और मैंने उनका फेस इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है, ओके, मतलब नहीं बता सकता मैं आप लोगों को, तो मतलब समझ लो थोड़ा सा प्राइवेसी इशू है। और मैंने जितना भी था सब कुछ दिखा दिया एंड अभी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आना बाकी है। और डिलीवरी का डेट कब बताया? अभी 15 दिन आगे कर दिया भाई, 30 जून को होने वाला था डिलीवरी, लेकिन कितना बोला 15 जून से आगे ही, मतलब थोड़ा जल्दी आने वाला है हमारा बेबी। तो गाइस हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड अल्ट्रासाउंड भी कराने बोला है। तो कब बोला है? अगला महीना ओके। तो भाई हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, हमारा बेबी बहुत ही जल्दी आने वाला है। अभी 15 दिन आगे कर दिया भाई, काफी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रहा है मुझे। ये तो मतलब काफी ज्यादा डर रही है, दिन जैसे बीतते जा रहा है ना तो एक थोड़ा नर्वस होते जा रही है। बाकी तेरे को डरना नहीं है और अभी हम लोग घर चलते हैं गाइस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, एकदम यूट्यूब पे तबाही मचा दो, जाओ वायरल हो जाए।